वीएचपी नेता अशोक सिंघल का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर शाम 4 बजे किया जाएगा, लेकिन थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस दफ्तर केशव कुंज गए और अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी सिंघल के योगदान को याद किया और विजिटर बुक पर अपना संदेश लिखा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं पीएम मोदी को संदेश लिखते हुए, आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। इससे पहले कल भी निधन पर शोक जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया था कि ये उनकी निजी क्षति है और उन्हें सौभाग्य मिला अशोक सिंघल द्वारा मार्गदर्शन पाने का। पार्थिव शरीर को केशव कुंज संघ दफ्तर पर रखा गया है और इस दौरान अंतिम दर्शनों के लिए काफ़ी संख्या में लोग उमड़े, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे, कई बड़े नेता, वीएचपी के कई नेता वहां मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी को आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी वहां इस दौरान मौजूद रहे। प्रवीण तोगड़िया को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वहां पहुंची और श्रद्धा सुमन पार्थिव शरीर को अर्पित किए। नवासी साल की उम्र में अशोक सिंघल का देहांत हुआ कल दोपहर 2 बजे, उनके निधन की खबर आई। 14 नवंबर को उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, सांस की बीमारी से पीड़ित थे वो और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के जरिए उनके निधन की खबर सामने आई। निसगमम मनीपम ग निपम निपम ग स निपम निसपस जहाँ तक याद याद आती रहेगी।